गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम बम है। पाकिस्तान बम बम है। इंडियन मीडिया हर चीज को इतना सारी मीडिया का ये काम। पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा। हेलो फ्रेंड्स, चिरियाताल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड ऑन पाकिस्तान डिफेंस डे परेड 6 सितंबर 2024। तो टाइटल पढ़ के तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई हूँ कि डिफेंस डे पाकिस्तान का था तो इंडियन मीडिया क्यों शॉक हुई, मतलब ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान डिफेंस डे पे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में बात। वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों ही करते हैं, मतलब चाहे ये इंडिया के लिए वीडियो हो या पाकिस्तान के लिए हो, आई डोंट नो रिएक्शंस इतने ज्यादा सॉलिड क्यों आते हैं या वो इतने ज्यादा मुद्दे की बात क्यों बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में क्या कुछ खास बताया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वो रिपब्लिक डे पर एक फटीचर मुल्क वो भारत को छेड़ना चाहते हैं। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना। इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता। वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पांचवा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब की सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे, कि बहुत बड़ी फौज है, टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को, कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे जब खतरे बढ़ रहे हैं। थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। ये तो अभी ये करें क्या बचपना है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है, साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? कदीर खान तो यहां तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। क्या? भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। To grow at an alarming rate. Tension should worry neighbors like India. इस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे को इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर देंगे। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। शम्स ताहिर खान बहुत फेमस रिपोर्टर, परमाणु बमों के मामले में दुनिया का पांचवा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम बम है। पाकिस्तान बम बम है। इंडियन मीडिया हर चीज को इतना सारी मीडिया का ये काम। पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन, उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। वो जिस तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है उससे 2025 तक परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाएगी और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पांचवा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है।
मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे, 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए हैं। देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। परमाणु बमों के मामले में तब बस रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन पाकिस्तान से आगे होंगे। और किसी प्रकार का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है जैसा कि ईरान के ऊपर है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। या पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कागार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, दो रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है, तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं, तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासतर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। सो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें। ये वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फक्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें या रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान, हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करें क्या? बचपना है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है, ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे थपड़काते रहेंगे। कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप। बोल जरा सोचिए, अगर दो परमाणु बमों ने जापान का ये हाल किया तो 15,000 से ज्यादा परमाणु बम इस धरती का क्या हाल करेंगे? पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है,
क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। और लेकिन अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों को बनाने की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो बहुत जल्द वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर परमाणु हथियारों के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह बमों की गिनती बढ़ाता रहा तो जाहिर उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल बेहद कड़वे हैं, और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या हो? अगर गलती से भारत पाकिस्तान के बीच जंग, टॉपिक कहां ले गए? मगर इसका असर न सिर्फ बाकी पड़ोसी मुल्कों बल्कि आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई कांट अंडरस्टैंड। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? उनका सवाल है, मैं ये मानता हूँ क्या स्टेबल पाकिस्तान? आजकल जो मीडिया है वो कैसे मसाला लगा रही है वो तो हमें आज की वीडियो से पता चल ही है। मतलब डिफेंस डे पे अगर पाकिस्तान ने अपने जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या फिर जितनी भी गन्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, वो सब अगर उन्होंने शोकेस किया है तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मीडिया ने उसको इतना मसाला लगा के ऐसे क्यों दिखाया। और हो सकता है कि शायद इंडियन मीडिया में भी पूरी तरह ऐसे नहीं उन्होंने बोला हो, पर जो क्लिप्स काट काट के और वो उसकी वीडियो ऐसे बना देते हैं, उसको एडिट ऐसा कर देते हैं कि मतलब कोई भी इंसान देखे उसको देख के शॉक्ड हो जाए। तो सच में मतलब मसाला लगाना तो कोई इन लोगों से सीखे। मुझे तो वीडियो में कुछ ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये सब चीजें तो नॉर्मल आपको यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर और आप कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, ये सब आपको रोज बाय रोज मिलता ही रहेगा। थैंकफुली हम ज्यादा न्यूज नहीं देखते, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना, पहले लोग कहते थे कि हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा न्यूज देखनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना टाइम जो है इंस्टाग्राम रील्स और बाकी रील्स में वेस्ट करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये खबरें न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है तो बहुत अच्छा है कि हम न्यूज ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि अगर आप पर्सनली किसी भी सिटीजन से बात करें, चाहे वो पाकिस्तान के सिटीजन से बात करें या इंडिया के, कभी ये दो देश नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे के साथ कोई ऐसी जंग की जाए जिसमें पूरा देश ही तबाह कर दिया जाए या ऐसा कोई परमाणु हथियार यूज किया जाए। पर्सनली नॉर्मल सिटीजंस तो बिल्कुल नहीं चाहते। और रही बात जहां तक ये पॉलिटिशियंस की, ये आपस में क्या खिचड़ी बनाते हैं ये हम नॉर्मल लोगों की समझ के बाहर है। बाकी इस वीडियो के अंदर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जिसमें मुझे ऐसा फील हुआ हो कि इंडियन लोग इस बात को लेकर बहुत ऑफेंस है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अगर अपने देश की सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हथियार और डिफेंस के लिए सोच रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आई थिंक हर देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर इंडिया भी इस बारे में सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी तरफ से वीडियो अच्छी थी, लेकिन जो बातें मीडिया एक दूसरे देशों के लिए फैला रहे हैं, आई थिंक ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये चीज मुझे पसंद नहीं आई ज्यादा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों के इस वीडियो को लेकर क्या कमेंट्स है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक ओके बाय।